Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hello guys, good morning, namaste, adab, sat sri akal, channel JSB Insight में स्वागत है. मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आशीष शुक्ला. आज हम लोग जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. हम सबको एक चीज तो पता है कि डॉग का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, फादर ऑफ द ब्रीड कौन है, पैरेंट बॉडी किधर है. सो हम लोग इस पे एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं. सो आज ओरिजिन पे बात ना करते हुए हम लोग जो टॉपिक आज हम बात करने वाले हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ द ब्रीड के बारे में. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग इसमें सब बेसिक से लेके सब एडवांस चीज़ें हम लोग कवर करेंगे रिलेटेड टू जर्मन शेफर्ड डॉग. सो मेरे हिसाब से हमारे हिसाब से जो बेसिक जो जर्मन शेफर्ड डॉग का अगर शुरू करना है तो वो हमें जानना ज़रूरी है कि वो इवॉल्व कहाँ से हुए. तो पहले जर्मन शेफर्ड डॉग इवॉल्व कहाँ से हुआ उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि डॉग्स कहाँ से इवॉल्व हुए और इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. सो ओरिजिन ऑफ द डॉग को समझने के लिए हम चलते हैं थोड़ा हिस्ट्री में. सो जो पहले ट्रेसेस प्रोसीपियंस के और ओरिजिनल कार्निवोरस के जो पाए गए थे वो पाए गए थे टर्जरी पीरियड के शुरुआती दौर में. अब इसी टाइम पे जो जेन्युइन डॉग्स था उसे कैटेगराइज किया गया था एक फैमिली में, वो बिलोंग करते थे केंडाई फैमिली को. अब ये टर्जरी पीरियड के एंड तक जो ओरिजिन था जेन्युइन डॉग्स का जो केंडाई फैमिली को बिलोंग करते थे वो ओरिजिन पता नहीं चल पाया था. अब इस ओरिजिन को एस्टैब्लिश करने के लिए एक बुक जो हमने पढ़ी थी उसका नाम है द जर्मन शेफर्ड डॉग इन वर्ड्स एंड पिक्चर, जो कि खुद मैक्स वॉन स्टीफेनहर्ट्ज ने लिखी थी, फादर ऑफ द ब्रीड ने लिखी थी. इस बुक में एक इंसान का जिक्र किया गया है, उनका नाम है प्रोफेसर बुंडे. प्रोफेसर बुंडे ने अपनी थ्योरी को लेके ये ओरिजिन ऑफ द जेन्युइन डॉग्स का एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. प्रोफेसर बुंडे के मुताबिक जो एनिमल की लाइफ डिपेंडेंसी थी वो बेसिकली मदर मिल्क के कंपोजिशन पे और प्रिवेलिंग टेम्परेचर इन दैट क्लाइमेट पे डिपेंड करती थी. इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने बताया कि वो एनिमल जो गर्म प्रदेश से आते थे उनकी जो लाइफ डिपेंड करती थी वो करती थी मदर मिल्क में अवेलेबल शुगर कंटेंट के ऊपर, और वो एनिमल जो ठंडे प्रदेश से आते थे उनकी जो लाइफ डिपेंड करती थी वो डिपेंड करती थी मदर मिल्क में अवेलेबल फैट कंटेंट के ऊपर. अब इस थियरी को बेस लेके मिस्टर जेकोबी ने ये एक्सप्लेन किया है उसी बुक में द जर्मन शेफर्ड डॉग इन वर्ड्स एंड पिक्चर में. मिस्टर जेकोबी ने ये बताया कि जो वाइल्ड डॉग येलो ग्रे फ्लेक कलर्स के थे वो आए थे ठंडे प्रदेश से, मतलब इनकी जो लाइफ डिपेंडेंसी थी वो मदर मिल्क में अवेलेबल फैट कंटेंट पे थी. इनका कलर्स क्या था, इनका कलर था येलो ग्रे फ्लेक. इसके अलावा और जो दूसरे एनिमल्स थे जिनका कलर दूसरा था, जो वाइल्ड डॉग जो दूसरे कलर के साथ में थे, ये अज्यूम किया गया कि वो जब दूसरे एनवायरनमेंट में गए तो उनका कलर जो चेंज हुआ था इट वाज बिकॉज वो दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को अडाप्ट कर चुके थे. सो ओरिजिन ऑफ जेन्युइन डॉग्स को समझने के बाद, उसकी थ्योरी को समझने के बाद, हम थोड़ा एक ग्रुप के बारे में, एक फैमिली के बारे में बात करते हैं. इसके लिए हम मियोसीन एज में जाएंगे वापस, और एक ग्रुप की मैं जो बात कर रहा हूँ वो ग्रुप में थे जिबेट कैट, बेयर, डॉग. बेयर मतलब भालू, तो जिबेट कैट से मेरा मतलब है स्मॉल एंड मीडियम साइज मैमल. जो मियोसीन एज में फर्दर डेवलपमेंट के बाद जिबेट कैट ने अपने आप को बेयर और डॉग से अलग कर लिया, वो सेपरेट हो गए. अब बचा कौन, बेयर एंड डॉग. उसका जो पिक्चर आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब सोचिए अगर डॉग्स ने अपने आप को बेयर से सेपरेट नहीं किया होता तो आज हमारे पास ऐसे डॉग्स होते जो कि एक भालू और एक डॉग का कॉम्बिनेशन होता. बट टर्जरी पीरियड के थर्ड इपॉक में डॉग्स ने अपने आप को बेयर से सेपरेट कर लिया, और सेपरेशन के बाद में द वुल्फ और एक वुल्फ जैसा दिखने वाला छोटा वाइल्ड डॉग ये सामने आया. अब क्या हुआ, अब एक और शख्स का मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा जिनका नाम बुक में मेंशन था, उनका नाम था मिस्टर स्कूडर. अब ये वाइल्ड डॉग जो छोटा था वाइल्ड डॉग का जो वुल्फ के तरह दिखता था और वुल्फ, इन्हें स्टडी करने का टाइम था.
इन्हें जब स्टडी किया गया तो स्टडी के बाद मिस्टर स्टूडेंट ने बताया कि ये जो छोटे वाइल्ड डॉग्स थे ये स्ट्रांग नहीं थे, इनका लोअर जॉ वीक था, इनके स्पेशली इंसीजर टीथ वीक थे। स्टडी में एक और चीज़ सामने निकल के आई वो ये थी कि केंडाई फैमिली का एक और स्पीशीज़ जिसे हम डिंगो या ऑस्ट्रेलियन डिंगो के नाम से भी जानते हैं वो भी एक टाइम पर टेम किया गया था, यानी पालतू बनाया गया था। उसके साथ में एक और वाइल्ड डॉग उभर के आया था, वो भी छोटा था साइज में। तो इसे स्टडी करने के बाद में जो डिफरेंसेस थे छोटे वाइल्ड डॉग्स के, जैसे छोटा बिल्ड, कुछ स्ट्रांग नहीं थे, लोअर जॉ वीक था, इंसीजर टीथ वीक था, अब इसे इस फॉल्ट को दूर करना था क्योंकि हमें एक ऐसा एनिमल चाहिए था जो कि हमारे साथ एक ऐसा कंपेनियन रह सके जो कि उस टाइम पे बाहर जाके शिकार कर सके, और अब वीक लोअर जॉ और वीक इंसीजर टीथ के साथ में ये पॉसिबल नहीं थी। तो अब इसे दूर कैसा किया था? तो इसे दूर करने के लिए उस छोटे वाइल्ड डॉग को ब्रीड किया गया वुल्फ के साथ। जी हाँ, वुल्फ के साथ। आप ये मतलब मेरे साथ ऐसा हो चुका है, और जो लेमैन है जिसे जर्मन शेफर्ड जो पहली बार देखते हैं, जिसे जर्मन शेफर्ड की जानकारी नहीं होती है, तो ऐसा मेरे साथ हुआ, शायद आपके साथ भी हुआ होगा कि कई बार जर्मन शेफर्ड को देखने के बाद लोग बोलते हैं कि ये लोमड़ी जैसा दिखता है या सियार जैसा दिखता है, वुल्फ जैसा दिखता है। तो ये बात गलत नहीं है। और क्यों गलत नहीं है? जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया कि छोटे वाइल्ड डॉग को वुल्फ के साथ ब्रीड किया गया था उसकी खामियों को दूर करने के लिए। फर्दर जब और स्टडीज़ हुई, तब फर्दर स्टडीज़ में एक छोटा मीडियम साइज जैकल के साइज़ का एक और स्पीशीज, एक और डॉग सामने आया। उसका नाम था मिकी वॉल्ड्रिच। अब इस मिकी वॉल्ड्रिच को उस टाइम पे पाया गया सबसे ज़्यादा डोमेस्टिकेटेड डॉग मुरलैंड डॉग से मेट किया गया, ब्रीड किया गया। अब इस ब्रीडिंग के साथ साथ साइमल्टेनियसली डोमेस्टिकेशन ऑफ अदर लाइक लार्ज साइज डॉग वॉज ऑल्सो कैरिड आउट। सो वंस दिस हैपेंड देयर केम अ ब्रीड बाई दी नेम कानीज पोयुतियानिनी, या फिर सी पोयुतियानिनी, अगर आप बुक देखते हैं तो आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। और ये कानीज पोयुतियानिनी इज नोन टू गिव द टाइप फॉर द हंटिंग डॉग्स एज वेल एज द शेपर्ड डॉग्स। अब मिस्टर स्टूडर ने फर्दर जो नॉर्दर्न डोमेस्टिक डॉग्स थे उसके पांच डिस्टिंक टाइप एक्सप्लेन किए हैं बुक में। इस पांच डिस्टिंक टाइप में से हम लोग जो मेजर दो डिस्टिंक टाइप कवर करने वाले हैं वो डिस्टिंक टाइप है, पहला कैनिस फैमिलरीज इनोस्ट्रांजवाई, या फिर उसे सी एफ इनोस्ट्रांजवाई भी कहा जाता है, और जो दूसरा टाइप है वो है ब्रोंज एज डॉग। कैनिस फैमिलरीज इनोस्ट्रांजवाई इज नोन टू गिव द ओरिजिनल टाइप ऑफ द हर्ड्समैन डॉग, एंड द ब्रोंज एज डॉग वे स्पेसिफिकली रिटेन्ड एंड दे वेर ब्रेड टू इट्स ओरिजिनल टाइप एंड इट इज सेड टू गिव अस द टाइप ऑफ आर जर्मन शेफर्ड डॉग, आर टूडेज जर्मन शेफर्ड। अब हमें जैसे पता चला कि ब्रोंज एज डॉग से हमें आज के जर्मन शेफर्ड का टाइप मिला है, इस टाइम पीरियड में बहुत सारे शिप डॉग्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट किए गए थे जर्मनी में। फॉर एग्जांपल कंट्रीज लाइक नॉर्थ अफ्रीका, अल्जीरिया, इजिप्ट। एक चीज़ जो पाई गई कि जब ये दूसरे कंट्री से डॉग जर्मनी में, शिप डॉग्स जब जर्मनी में आते थे तो जर्मनी में आने के बाद वो अपने आप को इस क्लाइमेट में नहीं ढाल पाए, वो अपने 100% कैरेक्टरिस्टिक्स 100% शीप डॉग होने का जो प्रमाण था वो नहीं दे पाए। इसमें से कई डॉग ऐसे थे कि जो डे बाय डे वीक होते गए, जिन्होंने अपने सूंघने की क्षमता जो थी उनकी सूंघने की क्षमता कम होती गई। कई डॉग ऐसे थे जो एक्चुअली में यूजलेस बन गए थे, वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसे टाइम पीरियड पे क्या हमें तो एक ऐसे कंपेनियन की ज़रूरत थी कि जो हर एक टेम्परेचर में, हर एक क्लाइमेट में अपने आप को ढाल ले और एक 100% ट्रू शेफर्ड डॉग की तरह काम करें। इस टाइम पीरियड पे एक शेफर्ड डॉग जो इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रीडिंग प्रोग्राम में, उसे आप और हम कॉली के नाम से जानते हैं, या फिर उसे स्कॉच शेफर्ड भी कहा जाता है। दो वेराइटीज़ में आते थे, एक थे स्मूथ शॉर्ट हेयर टाइप और दूसरे थे
स्मूथ लॉन्ग हेयर टाइप। तो इसका जो लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर का जो रिलेशन है आज के हमारे जर्मन शेफर्ड के साथ में, वो हम लोग थोड़े एंड में कवर करते हैं। तो ये जब कॉलीज एज अ शेफर्ड डॉग यूज़ होते थे यूरोप में स्पेशली, तब एक बात जो सामने आई कि ये जो कॉलीज थे इनका जो सूंघने की क्षमता थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। इनकी जो हर्डिंग कैपेसिटी थी या हर्डिंग कैपेबिलिटी थी ये भी दिन पे दिन कम होते जा रही थी। जो सूंघने की क्षमता थी वो किस कारण के वजह से अच्छी नहीं थी, कंपैरेटिवली जर्मन शेफर्ड से बराबर नहीं थी, बिकॉज उनका जो स्कल का डेवलपमेंट था वो बहुत छोटा था, जिसके कारण ओल्फैक्टरी नर्व जो थे वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पा रहे थे। 1903 में जर्मनी में रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म की गई। इस रेड क्रॉस सोसाइटी ने स्कॉच शेफर्ड डॉग्स के साथ में लगभग 12 साल काम किया, और 12 साल काम करने के बाद में इस नतीजे पे आए कि इनकी जो हर्डिंग कैपेसिटी थी, हर्डिंग कैपेबिलिटीज़ थी, वो इरेडिकेट होते जा रही थी दिन पे दिन। तो जिस पर्पस के लिए उन्होंने स्कॉच शेफर्ड डॉग्स का यूज़ किया था या कॉलीज का यूज़ किया था वो पर्पस सॉल्व नहीं हो पा रहा था। पर कब तक, फाइनली 12 साल के बाद में रेड क्रॉस सोसाइटी ने कॉलीज को रिप्लेस किया जर्मन शेफर्ड डॉग्स के साथ। और जर्मन शेफर्ड डॉग्स जब सर्विस में आए तब जो भी रिक्वायरमेंट्स थी रेड क्रॉस सोसाइटीज़ की, वो सारी रिक्वायरमेंट जर्मन शेफर्ड डॉग ने फुलफिल की एज अ ओरिजिनल, एज अ गुड शेफर्ड डॉग। जर्मनी में बहुत सारे शेफर्ड ऐसे थे जो कॉलीज को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते थे हर्डिंग्स के लिए। उन्हें ऐसा लगता था कि जर्मन शेफर्ड डॉग ये ब्रीड एक तो एक्सटिंक्ट हो गई है या फिर गलत हाथों में जाके स्पॉइल्ड हो गई है। पर 1903 में जब रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपना फीडबैक दिया तब धीरे धीरे करके जर्मन शेफर्ड जो है जर्मनी में और भी जगह पर शेफर्ड ने यूज़ करना चालू किया, और इसकी कैपेबिलिटीज़ देख के सब इसके फ़ैन हो गए और जर्मन शेफर्ड डॉग पूरे जर्मनी में फैल गया। दोस्तों हमें एक ऐसा डॉग चाहिए था जो बाहर कॉन्टिनेंट में जाके भी अपने आप को प्रूव कर सके, जो वो जर्मनी में है वही चीज़ वो बाहर जाके भी अपनी सर्विसेज दे सके। तो जर्मन और अफ्रीकन प्रोटेक्टर्स ने जर्मन शेफर्ड डॉग को हर जगह पर फैला दिया। अफ्रीका में भी जाके जर्मन शेफर्ड डॉग्स ने एज अ कैनाइन डॉग्स का काम किया, एज अ पुलिस डॉग का काम किया, एज अ प्रोटेक्शन डॉग का काम किया, वहाँ जाके शेफर्ड्स के साथ में उन्होंने काम किया। और एक चीज़ जो देखने लायक थी, उन्होंने अपने जो ओरिजिनल इंस्टिंक्ट थे एक जर्मन शेफर्ड डॉग के, वो उन्होंने वहाँ पे भी बरकरार रखे। जो जर्मन शेफर्ड डॉग जर्मनी में काम करते थे वही काम उन्होंने बाहर जाके भी दूसरे कॉन्टिनेंट में भी किया, और ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। इतना ही नहीं, उन्होंने बाहर जाके प्रोड्यूस भी किया, और ये सब कैरेक्टरिस्टिक एक जर्मन शेफर्ड डॉग के कैरेक्टरिस्टिक अपने ऑफस्प्रिंग में भी दिए। और इसी तरीके से दोस्तों जर्मन शेफर्ड ने अपनी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड गेन कर ली। तो आज का ये वीडियो था आपको ये समझाने के लिए कि जर्मन शेफर्ड का ओरिजिन हुआ कैसे, और दोस्तों जर्मन शेफर्ड ने कैसे क्या अपना जो नाम है पूरे दुनिया में फैला। अब एक चीज़ का जिक्र करूँगा, आज हम लोग जो जर्मन शेफर्ड में देखते हैं लॉन्ग हेयर टाइप और शॉर्ट हेयर टाइप। तो जैसे मैंने आपको बताया था कॉलीज के बारे में, कॉलीज दो वैरायटी में आते थे। तो स्मूथ लॉन्ग हेयर टाइप कॉलीज को भी जर्मन शेफर्ड ब्रीडिंग में यूज़ किया गया था। तो ये जो लॉन्ग हेयर का जो ट्रेड था वो यहीं से चला पास ऑन होते गया, वो आज भी हमें दिखता है। तो ये जब शीप डॉग्स जब यूज़ किए गए थे ब्रीडिंग प्रोग्राम में, इसका नतीजा है कि आज हम लोग लॉन्ग हेयर टाइप देखते हैं। क्या कभी हमने सोचा था कि हमारे पास जो लॉन्ग हेयर टाइप जर्मन शेफर्ड्स हैं वो क्यों लॉन्ग हेयर हैं? तो ये इस कारण के वजह से जो आज के जर्मन शेफर्ड है वो लॉन्ग हेयर जर्मन शेफर्ड है। हाँ, पहले उन्हें एक फॉल्ट करार दिया जाता था, जर्मन शेफर्ड डॉग लॉन्ग हेयर नहीं होना चाहिए था ऐसा कहा जाता था। क्यों नहीं होना चाहिए था? फॉर अ बेसिक सिंपल रीज़न कि जर्मन शेफर्ड जब अगर कभी गीला हो जाए तो उसका कोट है वो तुरंत सूख जाए, उसमें पानी का रिटेंशन ना हो, उसे कोमिंग करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, केयर एंड मेंटेनेंस में ज़्यादा टाइम ना लगे। बट एक लॉन्ग हेयर जर्मन शेफर्ड डॉग में अगर वो पानी में जाता था तो वाटर रिटेंशन ज़्यादा रहता था और उसके कोमिंग में ज़्यादा टाइम लगता था। तो यही एक बेसिक रीज़न था कि जर्मन शेफर्ड डॉग लॉन्ग हेयर नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपसे ये मैं डिस्कस करना चाहता था, और सबसे जो बेसिक जहाँ से हम लोग शुरू कर सकते थे वो हमने आज किया। तो अगर ये वीडियो कहीं पे 1% भी आपको काम में आए तो मैं सोचूंगा कि हमारा जो आज का मोटिव था इस वीडियो के द्वारा आपके अब तक पहुंचाने का, वो मोटिव पूरा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप
प्लीज़ वेट करिए, एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ में आएंगे, एंड आई प्रॉमिस यू कि हम आगे जाके बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इस पूरे सीरीज़ को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। यू ऑल गाइज विल इन्जॉय इट। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।